राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी कोड 2016 में संविधान के लिए लाए जा रहे अध्याय को मंजूरी दे दी है। तो आइए आपको बताते हैं इस अध्यादेश से जुड़ी कुछ अहम बातें। अध्यादेश लागू होने से दिवालिया कंपनियों के प्रमोटर्स की मुश्किलें बढ़ेंगी और वो दोबारा कंपनियों में हिस्सेदारी नहीं खरीद पाएंगे। बैंकरप्सी कानून में होने वाले बदलाव से सरकारी बैंकों को बड़ा फायदा होगा। विलफुल डिफॉल्टर फंड की हेराफेरी कर चुके और फर्जीवाड़े के जुर्म में सजा पा चुके लोग अपनी कंपनियां या उनकी संपत्ति खरीदने के लिए बोली नहीं लगा पाएंगे। करीब 400 कंपनियों के मामलों को बैंकरप्सी कानून के तहत सुलझाने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाएगा। आरबीआई ने 12 बड़ी कंपनियों के लोन डिफॉल्टर मामले को बैंकरप्सी कोर्ट के पास भेज दिया है। इसमें से 11 मामले दिवालिया अदालत के पास हैं। एक केस को लेकर अभी मुकदमेबाजी चल रही है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स लोन रिकवरी के लिए इनमें से एसर स्टील, भूषण पावर, एमटेक ऑटो, लेंको इंफ्राटेक को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से किसी कंपनी को बैंकों ने अब तक विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया है। खबरों की माने तो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियों के प्रमोटर्स खुद ही नीलामी में शामिल होकर इन पर अपना कब्जा बनाए रखने की फिराक में हैं। इससे आने वाले दिनों में मुश्किलें ज्यादा हो सकती हैं, लिहाजा सरकार ने अब आईबीसी में बदलाव की सिफारिश करने के लिए इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी बनाई है। ये 2 महीने में अपना सुझाव देगी। बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बैंक करप्सी कोड में कुछ बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। इन बदलावों को अध्यादेश के जरिए लागू किया जा रहा है। केंद्र ने अध्यादेश को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले मंजूरी दी है, क्योंकि इस दौरान कुछ बैंकरप्सी मामलों का निपटारा हो सकता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।